कुठाराघात नहीं करना चाहिए। विषय पर बोलिए तो रिकॉर्ड प्लीज प्लीज। माननीय माननीय सुमित्रा वाल्मीकि 5 मिनट के अंदर अपनी बात कहें और विषय पर बोले प्लीज। प्लीज विषय पर बोले अध्यक्ष महोदय, रिकॉर्ड पे जाएगा और 5 मिनट में अपनी बात खत्म। जी धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस ऐतिहासिक बजट पर बोलने का, बजट नहीं ये, बजट नहीं ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट का डिस्कस है, शहरी विकास पर बोलने का अवसर दिया। मैं हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद प्रस्तुत करती हूँ। महोदय 2024 और 25 में फिर एक और गर्व भरा अध्याय जोड़ दिया गया है कि यह बजट जो तमाम विशेषताओं और हर वर्ग की राहतों के लिए भरा हुआ है, इस बजट में शहरी विशेषता विकास के जो जोर दिया गया है, खास करके प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के माध्यम से, महोदय 79,000 करोड़ रुपए की भारी राशि के साथ यह पहल लाखों लोगों को सुरक्षित और सस्ती आवास प्रदान करती है। हम 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने की बात कर रहे हैं, जिसमें 1 करोड़ शहरी क्षेत्रों के होंगे। महोदय कल्पना कीजिए कि 1 करोड़ से अधिक परिवारों को आखिरकार एक स्थान ऐसा मिलेगा जिसमें वो सच में समझेंगे कि हमें शहर में कोई सर छुपाने के लिए आवास मिला। महोदय 2015 से PMAY सिर्फ एक आवास योजना परियोजना से कहीं अधिक रही है। यह घरों को आवश्यक सुविधाएं जैसे घरेलू शौचालय, LPG कनेक्शन, बिजली और स्वच्छ पानी के लिए लैस करने के बारे में है। महत्वपूर्ण रूप से यह महिलाओं को सशक्त बनाता है, यह सुनिश्चित करके परिवार को कि मुखिया महिला को घर का मालिक एवं सह मालिक भी बनाता है। इससे शहर की जो व्यवस्था है, जो शहर की मकान जो पहले झुग्गी झोपड़ी में रहते थे और झुग्गी झोपड़ी में जब वो किसी और गांव से पलायन होकर शहरों में आते थे तो उन्हें सर छुपाने के लिए कहीं जगह नहीं मिलती थी, तो पन्नी लगाकर वो कहीं एक स्थान पर रहा करते थे। शहर की कॉरपोरेशन आकर उनकी पन्नी उजाड़ देती थी और उन्हें मकान से उनके झोपड़े से बेदखल कर देती थी। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगी कि 2014 के बाद में उन्होंने शहरों में उन गरीबों की पीड़ा को समझा और शहर विकास को देखते हुए उन्होंने उन गरीबों को रहने के लिए पक्के मकानों की सुविधा दी, जिसमें मैं शौचालय, सबसे ज़्यादा महिलाओं की ये प्रॉब्लम थी कि वो शहर में रहने के बावजूद भी गांव में जाती थी। 2004 के पहले की यदि तस्वीर मध्य प्रदेश की देखी जाए तो शहर के लोग भी रेलवे किनारे बैठकर शौच के लिए जाया करते थे। ये शहरों की स्थिति थी और ये शहरों में पहले हमारे जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने ये दुर्दशा कर रखी थी। 2004 के बाद में हमारी सरकार आई और उन्होंने शहरों का विकास, आज आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में किस तरह से आगे बढ़ा है। महोदय मैं कहना चाहूँगी कि शहर की बढ़ती आबादी को देखते हुए और उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए नवाचारशील किराए के आवास समाधानों के माध्यम से पूरा करता है, जिसमें औद्योगिक श्रमिकों के लिए डोरमेट्री प्रकार के आवास शामिल किए गए हैं। यह न केवल हमारे कार्यबल को समर्थन करता है बल्कि निष्पक्ष और पारदर्शी किराए के बाजारों को भी प्रोत्साहित करता है। महोदय हम यह भी देख रहे हैं कि शहरों को आर्थिक विकास केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। राज्यों के साथ ट्रांजिट प्लानिंग और पेरी शहर क्षेत्रों की व्यवस्थित विकास पर काम करके यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे शहर स्थायी और कुशलता से कैसे आगे बढ़े। महोदय 14 प्रमुख शहरों में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट योजनाएं शहरी जीवन से अधिक जुड़े और सुविधाजनक हैं।
जल आपूर्ति और स्वच्छता को भी आवश्यक स्थान मिल रहा है, जिसमें 100 बड़े शहरों में इन सेवाओं का सुधार का की योजनाएं हैं। महोदय, ये परियोजनाएं न केवल जीवन की स्थितियों को बढ़ाएंगी, बल्कि स्थानीय टैंकों को भरने और सिंचाई के लिए उपयोगी पानी के लिए स्थायी व्यवस्थाएं और उन रहने वाले शहरवासियों के लिए प्रोत्साहित करेंगी। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि अगले 5 के लिए प्रत्येक वर्ष 100 साप्ताहिक हाट या स्ट्रीट फूड हब के विकास की शुरुआत करता है, जो स्ट्रीट वेंडर और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देता है और इन लोगों के लिए जो इन पहलों के पैमाने पर संदेह करते हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि हमेशा से आम आदमी की नीतियों का केंद्र रखा और इसकी प्रतिबद्धता दर्शाता है कि इस उद्देश्य में शहरों और नगरों को सुधारना और उन्हें रहने के काम करने के लिए बेहतर स्थान बनाता है। मैं कहना चाहूँगी कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत शुरुआत में 10 करोड़ तक का कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने की शुरुआत की गई है। महोदय, बाद में अधिक ऋण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 20 करोड़ तक का दूसरा ऋण दिनांक 9 अप्रैल 2021 से और 50,000 तक का यह तीसरा ऋण 1 जून 2022 से दिया जाने लगा है। महोदय, आवासन और शहरी विकास कार्य मंत्रालय ने 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडरों को कोविड-19 महामारी की बुरी तरह प्रभावित हो चुके उन व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए बिना किसी गारंटी के कार्यशील ऋण पूंजी ऋण सुविधा की प्रदान करता है। पहली बार सरकार ने रेहड़ी पटरी और ठेले वालों पर सामान बेचने व रोजगार के लिए लोन की व्यवस्था की गई है। महोदय, इस योजना के अंतर्गत अभी तक लगभग 40 लाख लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया जा चुका है। मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, वित्त मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने पूरे भारत को समानता की दृष्टि से इस योजना को कार्य रूप में परिणित किया है। मैं कहना चाहूँगी कि 40 लाख लाभार्थियों तक लाभ पहुँचाया जा चुका है, जिसकी कुल कीमत 4,000 करोड़ रुपए है। महोदय, पीएम स्वनिधि योजना के लिए कौन कौन पात्र हैं ये भी मैं थोड़ा चिन्हित करना चाहूँगी। जैसे हमारे पहले कहते थे कि नाई, लेकिन इसको सुधार किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, केश शिल्पीकार कहा है उनको, कितना सम्मान दिया है। पहले उनको किस तरह से बुलाया जाता था और अब आप देखेंगे कि उनको कितना सम्मान दिया गया है केश शिल्पी की दुकानों को लिए। दूसरा, जो हमारे जूता काटने वालों के लिए और पान की दुकान वालों के लिए। महोदय, मैं यही कहते हुए आज शहरी आवास योजना के अंतर्गत अपने आपके समक्ष जो मैंने विचार रखे हैं, इसके लिए मैं अपनी सरकार को, अपने प्रधानमंत्री को और अपने वित्त मंत्री को धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद माननीय जवाहर सरकार जी, प्लीज सर।